जय श्री राम। जो भी हनुमान जी के प्रमभक्त है वह चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। कहा जाता है कि राजा दशरथ ने अपने पुत्रों की प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन किया और फिर यज्ञ में से एक फल निकला। उस फल को खाने से पुत्र की प्राप्ति होती। तब तीनों रानियों ने उसमें से फल खाया और बाकी बचा हुआ फल एक पक्षी छीन के ले गया। तब अंजना एक पर्वत पे टहलने निकली और पुत्र प्राप्ति की लालसा कर रही थी। तब वह पक्षी उस पर्वत पर फल फेंक के चला गया। तब वायुदेव ने उस फल को उठाकर अंजना को दे दिया और फिर शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने अंजना को निर्देश दिया कि वह इस फल का उपभोग करे। ऐसा करके उन्होंने हनुमान की कल्पना की। वही बचा हुआ फल कैकेयी के हाथ से पक्षी ने छीना था। अंजना ने वही फल का उपभोग करके हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसीलिए श्री राम हनुमान जी को भरत के समान भाई कहते थे।